चौथा विवाह भगवान का श्री यमुना जी से हुआ। बोलो यमुना वल्लभ लाल की जय। यमुना जी से भगवान का विवाह हुआ। पांचवा विवाह भगवान का उज्जैन के राजा बिंद अनुबिंद उनकी बहन मृत वृंदा के साथ भगवान का विवाह हुआ। राजाओं की भरी सभा में भगवान हरण करके ले गए और भगवान ने युद्ध में सबको परास्त किया, मृत वृंदा से विवाह किया। ये भगवान की पांचवी पटरानी है। भगवान की छठी पटरानी है कौशल देश के राजा, दक्षिण कौशल जिसको छत्तीसगढ़ कहते हैं, छत्तीसगढ़ के राजा नग्नजित और नग्नजित की कन्या नाग्नजिति थी सत्या, उनके साथ भगवान ने विवाह किया। नग्नजित शब्द का अर्थ क्या है? नंगों को जीतने वाला। नग्न मन नंगा, जित माने जीत लेने वाला। नंगा किसको कहते हैं? कपड़ा खोल के नंग धड़ंग घूमने लग जाए उसको नंगा नहीं कहते। लोक में ऐसे ही होता है कि जो कपड़े उतार दे सब उसको नंगा कहते हैं, नंगा नहीं। शास्त्र के अनुसार नग्नो वेद बहिष्कृता, वेद बाह्य को नग्न कहते हैं। वैदिक सदाचार जिनमें नहीं है उनको नंगा कहा जाता है, चाहे जितना कपड़ा पहने वो नंगे। तो जो वेद बहिष्कृत लोग थे, जो वेदों के अनुकूल जिनका जीवन नहीं था, उनको उन्होंने जीत करके सही रास्ते पर चलाया बलपूर्वक, इसलिए उनका नाम नग्नजित हुआ। और नग्नजित की पुत्री नाग्नजिति हुई। उन्होंने 6 बैल वृषभ, बड़े बड़े बलवान वृषभ उनको तैयार कर रखा था और उनका कहना था मेरी बेटी सत्या से विवाह वही कर सकता है जो इन 6 बैलों को एक साथ उसके नाक में नाक डाल दे। बड़े बड़े राजकुमार आए, वीर आए, लेकिन वे मारे गए उन बलिष्ठ वृषभों के द्वारा। भगवान श्री कृष्ण आए, उन्होंने कहा कि हम तो एक साथ ही 6ों को नाथ देंगे, अलग अलग की जरूरत ही नहीं। जैसे भगवान नाथ में चले, सत्या जी जंगला से खिड़की से कवाक्ष से देख रही थी। किसी सखी ने व्यंग किया, क्या देख रही हो, छठी पटरानी बनकर रहना पड़ेगा। 7 बैल थे, कितने बैल थे? 7। सब भगवान के कान में पड़ गया। सत्याजी थोड़ी उदास हो गई। भगवान ने 7 स्वरूप धारण कर लिए और एक ही क्षण में 7 वृषभों को नाश करके और खींच करके ले आए बोले। और वो तो और बोलो क्या करें, इतने बलवान। 7 स्वरूप इसलिए बनाए कि तुम छठी पटरानी बनोगी तो हम 7 रूप धारण कर लेंगे। हम वृषभ नाचने के लिए 7 रूप बना सकते हैं तो तुम्हारी प्रसन्नता के लिए 7 रूप नहीं बना सकते। इसलिए तुम छठी पटरानी बन के रहोगी, चिंता मत करना। भगवान ने उनकी चिंता को दूर किया। 7वां विवाह भगवान का भद्रा के साथ हुआ। गुरु भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार से श्रुत कीर्ति की कन्या भद्रा, उस भद्रा के साथ भगवान का विवाह हुआ। यह भगवान का 7वां विवाह हुआ। मध्य देश के राजा उनकी कन्या लक्ष्मणा के साथ भगवान ने विवाह किया। इस तरह से भगवान के 8 विवाह हुए और भौमासु का वध करके एक ही मुहूर्त में भगवान ने 16,100 राजकन्याओं के साथ विवाह किया। ये भगवान के समस्त विवाहों की चर्चा हुई। सबके एक एक 10-10 पुत्र और एक एक कन्या का जन्म, बहुत बड़ा कुलवा खानदान भगवान का हुआ। नाती पोते का खूब विस्तार हुआ। यहाँ श्री कृष्ण रुक्मिणी का भी बड़ा सुंदर संवाद है, उस संवाद की हम